हुकूमत साजी को लेकर पीडीपी एमएलए अब्दुल रहीम राठौर ने आज मीडिया से बात करते हुए सिविल सोसाइटी का खैर मकदम करते हुए कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को आगे आकर एक मखलूत सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि रियासत में जो सियासी बहरान पैदा हुआ है उसको दूर किया जाए। उन्होंने गवर्नर राज को एक मजबूरी से ताबीर करते हुए कहा है कि ये मौजूदा हालात को काबू करने में नाकाम रहा और इससे अवाम में काफी बेचैनी पैदा हुई है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि पंचायती इलेक्शन में एक खास पार्टी को फायदा पहुंच रहा है और आम को सही नुमाइंदे नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने मरकजी सरकार से मुतालबा किया है कि इन इलेक्शन को पूरी तौर मनसूख किया जाना चाहिए। देखिए, सिविल सोसाइटी की जो तजवीज है, मैं पहले उनको अप्रिशिएट करता हूँ जो उन्होंने ये तजवीज रखी और जो उनकी कोशिश है, मैं इसके हक में हूँ कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तैयार हो जाती है, लेकिन मेरी ये चाहत है कि अगर कांग्रेस भी इसके लिए तैयार हो जाती तो ज़्यादा बेहतर रहता। हम लेजिस्लेटर्स की बात करते हैं क्योंकि गवर्नर रूल जो है ये एक इंटरिम अरेंजमेंट है, ये कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी हम भी महसूस करते हैं कि लोग एक एलिनेटेड फील करते हैं और फिर तो यही तो एक सॉल्यूशन है, या तो हमें इलेक्शन में जाना है या फिर हुकूमत साजी होनी चाहिए। तो बेहतर है कि अगर इस पर भी सोच किया जाए और ये जो कोशिश है इस कोशिश को आगे लिया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इलेक्शन की बात चल रही है, क्या आपको नहीं लगता है एक तरफ से बीजेपी को ये एज मिल रहा है आपके बायकॉट करने से? जो बड़ी पार्टियां यहाँ पर कश्मीर में है वो भी बायकॉट पर है, तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट इससे बीजेपी को मिल रहा है। देखिए, ये एक बदकिस्मती है। अगर आपको याद होगा जब आप मुफ्ती साहब से सवाल करते थे कि आपने बीजेपी के साथ हाथ क्यों मिलाया, और उनका एक जवाब ये आता था कि देखिए, जम्मू के लोगों ने बीजेपी को मैंडेट दिया और हम जम्मू और कश्मीर जब बात करते हैं तो जम्मू को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये बदकिस्मती है कि दो बड़ी पार्टीज, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि अभी हालात मौजूद नहीं है इलेक्शन के लिए, इनको डेफर किया जाए, और बदकिस्मती है कि उस सोच को नज़रअंदाज किया गया और एक तरफा ये इलेक्शंस ठोसे गए। अभी भी आप देख लीजिए कि कौन से कैंडिडेट्स सामने आते हैं, क्या उनकी आवाम में कोई अच्छी साख्त है, और फिर ये भी आप देख लीजिए कि आवाम की क्या पार्टिसिपेशन इसमें है। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती हुई है जो अभी एक तरफा तौर इलेक्शंस ठोसे गए, और इससे एक और परेशानी सामने आ जाएगी क्योंकि हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल में दो सीटें इसकी हैं, बल्दियाती से जो रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद पंचायत की चार सीटें भी हैं और छह सीटें अपर हाउस के लिए जो हैं वो यहीं से आनी है।